नमस्कार, मैं अंकित गैरल और मेरे साथ मेरी सहयोगी नंदिनी मोदी इस वक्त मौजूद है और आप देख रहे हैं लोकार्पण। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में, यानी कि चुनावी बॉन्ड के बारे में, जिसके चर्चा लगातार पूरे देश में बनी हुई है। बात करेंगे कि आखिर क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड, किन पार्टियों को इसका लाभ होता था, कौन सा बैंक ऐसा है जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहा है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये असंवैधानिक है, और कैसे सिलक्यारा टनल भी इससे मिलती जुलती भी कहीं नजर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्ट्रल बॉन्ड कहूं या फिर मैं कहूं चुनावी बॉन्ड, या फिर अंकित ने जैसे बताया सरल भाषा में चंदा। जी हाँ, ये वो चंदा होता है जिसके बदौलत कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में खड़ी होती है। बिल्कुल। और ये वो चंदा है जिसे आप या कोई भी एक ऐसी कंपनी अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकती है। मगर इसको कैसे दिया जा सकता है नंदिनी, मतलब कोई तो चीज होगी इसमें, किसी दुकान से खरीदना पड़ता है या फिर कुछ और चीज है इसमें? नहीं नहीं अंकित, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल गवर्नमेंट ने इसका भी जिम्मा बैंक को दिया हुआ है। वो बैंक के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इसका जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट ने SBI को दे रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। जी, तो नंदिनी किस तरीके से जो SBI है वो बॉन्ड देती है किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति को? अंकित ये बहुत इजी है, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। आप एक दुकान पे गए और आपने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी, और वो चीज खरीदने के बाद आपने वो अपने लिए ना इस्तेमाल करके अपने किसी जानने वाले को, किसी बच्चे को, किसी रिलेटिव को दे दी। बहुत सही तरीके से नंदिनी ने इस चीज को बताया। मगर अंकित जिस तरीके से मैंने बताया कि इसमें कुछ पैसों का भी संबंध है, तो वो पैसों की बात कैसे है वो बताएंगे आप? ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जो SBI है उसने भी एक निर्धारित कुछ धनराशि तय करी है जो कि बिल्कुल डिनोमिनेशन के हिसाब से चलती है। अब देखिए, जो SBI है उसने पेगुल रखा है कि या तो आप 1,000 का ले सकते हैं मेरे से बॉन्ड, या तो आप मेरे से 10,000 का ले सकते हैं, या तो आप मेरे से 1,00,000 का ले सकते हैं, या 10,00,000 का ले सकते हैं, या फिर 1,00,000 का। यानी कि जो SBI है उसने 1,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का अपने बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड है वो क्या कर रखे हैं, निर्धारित कर रखे हैं आप इतने ही में ही ले सकते हैं। अब क्या होता है कि जो कंपनी है वो लेने जाती है बॉन्ड किसी SBI के ब्रांच में, SBI की किसी भी ब्रांच से हम बॉन्ड को ले सकते हैं। बॉन्ड लेने जाती तो क्या करती है कि पैसे देती है, मैंने 1,000 रुपये SBI को दिया, SBI ने मेरे हाथ में बॉन्ड दे दिया, अब एक यूनिक नंबर भी मुझे मिल चुका है, अब मैं उस यूनिक नंबर के तहत किसी भी अपनी पसंदीदा पार्टी को वो दे सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इसके इतिहास की ओर लेके चलती हूँ। भारत सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना में सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। भारत सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए कुछ महीने भी साल में तय करे हैं। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ही इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीद सकते हैं, और इसी के साथ साथ चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिन की ही होती थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता था। मगर जब चुनावी साल होता था तो वो अवधि 15 दिन से 30 दिन की हो जाती थी। तो ये तो अभी हमने समझा कि ये आया क्यों था और इसका इतिहास क्या था, मगर अंकित इसमें कौन कौन से राजनीतिक पार्टी को इसका बेनिफिट मिल सकता है? मतलब आप सिंपल सी बात करें कि ऐसे कौन से राजनीतिक पार्टी है जिनको इसका लाभ होता था और कैसे वो राजनीतिक पार्टियों को लाभ होता था। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। राजनीतिक पार्टी को इसका लाभ ऐसे होता है कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी को चाहिए थे तो लगभग इससे पहले के चुनाव, यानी कि मतलब 5 साल पहले के लोकसभा के चुनाव में, यदि किसी भी पार्टी को उनके वोटर्स के द्वारा 1% भी वोट मिले हैं तो वो उस पार्टी को आराम से वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का फायदा हो सकता था। मतलब कि आसानी से, बस आपके पास, आप अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो आपके पास 1% वोट होना चाहिए आपके वोटर्स के द्वारा, तो आपको आसानी से वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के लाभ आप उठा सकते थे। अंकित अभी तो हमने बात करी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है, उसका इतिहास क्या था और कौन कौन सी पार्टी को इसका फायदा मिलने वाला था, लेकिन क्या आपको पता है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बताया। तब सुप्रीम कोर्ट ने ECI से सारी की सारी जानकारी मांगी, फिर ECI ने SBI को ऑर्डर दिया कि हमें मार्च की कोई भी तारीख पर वो सारी की सारी इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित डिटेल्स चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद SBI ने थोड़ा सा और समय मांगा, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद SBI ने 12 मार्च को पूरी की पूरी डिटेल्स ECI को दी, और ECI ने 14 मार्च को, यानी कि गुरुवार को, सारी की सारी डिटेल्स अपने पोर्टल पर अपडेट कर दी।
और उस अपडेट में भी उसने सिर्फ एक पेज नहीं, लगभग 765 पेजों का एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें कि एक तरफ सारी कंपनीज का नाम था जिन्होंने कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खरीदा था, और एक तरफ उन तमाम चुनावी पार्टीज का नाम था। अब जब पार्टीज और कंपनीज की बात आ रही है, तो लगभग 765 पेज की उन तमाम कंपनीज में से टॉप 20 कंपनीज ऐसी थी जिसने कि 50 करोड़ से लेके 55 करोड़ से भी ज़्यादा के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे थे, और उन तमाम कंपनी में एक कंपनी ऐसी थी जिसने कि हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो कौन सी? नवयुवा कंपनी। नवयुगा कंपनी? बिल्कुल, नवयुगा कंपनी, वो कंपनी जिसे कि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और जिसे हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कंपनी जिसने कि 12 नवंबर 2023 में उत्तरकाशी में हुए सिलक्यारा टनल के अंदर वो हादसा जो हमें भूले से भी नहीं भूला जाता है, उस हादसे में वो जो टनल बनाई जा रही थी वो नवयुगा कंपनी द्वारा बनाई जा रही थी। उसमें नवयुगा कंपनी ने 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 55 करोड़ से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे थे, और उस कंपनी ने ऐसे नहीं कि एक साथ ही पूरे के पूरे खरीदे थे, अप्रैल में 30 इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे, वो भी हाफ 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 करके, मतलब एक 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 करोड़ के हिसाब से, जो कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि SBI में एक 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 करोड़ तक जाता है, 1,000 से लेके 1 करोड़ तक की आप निर्धारित जो पैसे हैं उनसे खरीद सकते हैं। फिर उसने अक्टूबर के महीने में 15 करोड़ के और खरीदे, फिर जाके 2022 में उसने 10 करोड़ के और खरीदे, ऐसे में उसने 55 करोड़ का पूरे के पूरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे थे। तो इसमें साफ से सिंपल सी बात ये नज़र ज़रूर आती है कि क्या ये वही कंपनी था जिन्हें सरकार चला रही है, या फिर सरकार का इन कंपनीज़ में ना तो कोई केस होना, ना तो कोई इनके ऊपर खिलाफ कुछ बातें होना, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। मगर 55 करोड़ का होना, इसका मतलब इतना पैसा, इतने बॉन्ड्स आखिर किस राजनीतिक पार्टी के पास जा रहा है, तो ये भी एक सोचने का विषय था, चीज़ों का विषय था। पर कैसे सिलक्यारा टनल के अंदर जो तमाम 41 श्रमिक फंसे थे, तमाम मशीनें वहाँ पे ख़राब हो गई थी, चीज़ें ख़राब हो गई थी, मगर उस कंपनी ने फिर भी 55 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। टॉप 20 कंपनी में से एक ऐसी कंपनी आती है। तो आपने समझा कि क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड, कैसे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण अनावरण सच का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।